لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ख़वान हजरात आज रमजानुल मुबारक की चौथी रात है पुरान मजीद के चौथे जज पर हम बात करेंगे हजब मामूल इस जज़् में बयान किए गए मज़ामीन पर एक सरसरी नज़र डालेंगे फिर उसके बाद इसमें से किसी एक मजमून को लेकर इन डेप्थ स्टडी करेंगे तफसील से गुफ्तु करेंगे इस जज़्ज़ की पहली आयत बताती है कि जो लोग अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट चाहते हो, नेकी की बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हो, उनके लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ें अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें क़ुरबान करें सेक्रीफाइस करें जो उन्हें बहुत अजीज़ होती है फिर उसके बाद एक बड़ा मज़मून उम्मत मुस्तम के असलाह के हवाले से और उसके मिशन के हवाले से बयान किया गया इसमें पहली बात यह बताई गई कि तुम्हारी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी तकवा होनी चाहिए और तकवा ताद हयात कायम रखना चाहिए फिर उम्मत से कहा गया कि अपनी जो आपसी दोस्ती और आपसी इतिहाद और जो कोहिशन है ग्रुप कोहिशन उसे बाकी रखो ग्रुप कोहेशन को बाकी रखने के दो जराए हैं एक जरिया अल्लाह ताला की किताब है आज उम्म मुशमा के मसाइल पर अगर गौर करेंगे और जिन मामलात में शदीद इख्तलाफात पाए जाते हों उनको अगर हम कुरान की तरफ लौटाएंगे या तो उनमें से सलूशन मिल जाता है या ये कि बहुत से मसाइल वो हैं जो बहुत ही ट्रिवियल हैं और कुरान के नज़दीक उन मामला की बड़ी अहमियत नहीं है ग्रुप कोहिशन को बाकी रखने का दूसरा तरीका है मिशन को याद रखें तुम एक मिशनरी उम्मत हो तुम्हारे जिम्मे एक काम है तुम इंसानियत की रहनुमाई के लिए बर्पा किए गए हो वो कुम कुम उम्मत यदल खैर आगे कहा गया कुम खैर उम्मत इन उखरीत ना अगर उम्मत अपने मिशन की तरफ लौटे इंसानों की भलाई के काम करें मारूफात का हुक्म दें मुनकरात से रोकने के काम में वो लगें तो ऑटोमेटिकली इतिहाद की तरफ हम आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद जंग उहद पर तबसरा हमें मिलता है याद रहना चाहिए कि जंग उहद में मुसलमानों को नुकसान हुआ जीती हुई जंग हार गए एक तरफ तीन हजार का लश्कर था और मुसलमानों की तरफ से एक हज़ार लोग मैदान में पहुँचे लेकिन यहूद की रीशा दवानियाँ और मुनाफिकीन की सरगर्मियाँ इसकी वजह से मैदान से तीन सौ लोग चले गए वापस मदीने की तरफ और सात सौ लोग मैदान में रह गए तो अब मुकाबिला है एक बड़ी फ़ौज के साथ उस वक्त मुसलमानों की तमन्ना थी कि अल्लाह ताला की गैबी नुसरत उन्हें मिले अल्लाह ने वादा फ़रमाया कि वो फरिश्तों को नाजिल करेगा लेकिन उसके लिए कंडीशन रखा जब भी एडवर्सिटीज़ आती हों जब भी मुश्किल आती हों जब भी दुश्मन का मुकाबला हो तो अल्लाह ताला ने उम्मत को ये तरबियत दी कि व इन तस्वीरों व तयम कई दुहम शे लोगों की फरेबकारियाँ और लोग जो चालें चलते हैं वो अपनी चालों में कामयाब नहीं हो सकते अगर तुम सब्र कायम रहो और तकवा पर कायम रहो नादरीन आप देखेंगे कि कुछ ही आयतों के बाद फिर यह दोहराया गया इन तस्वीरों व व तुकम्फोरही मादा फरिश्तों का नजूल होगा बशर्ते कि तुम सब्र कायम रहो और तकवा पर क़ायम रहो इसलिए की जो तफसीली गुफ्तगू होगी उसमें हम अपने उन नाजरीन से जो कम उम्र हों जो पढ़ने लिखने का जौक़ रखते हों रिसर्च कर सकते हों मैं उन्हें बताऊँगा कि ये दो जो क्वालिटीज़ हैं ये जो दो पैरामीटर्स हैं दो ट्रेड्स सब्र और तखबा ये कैसे हम इस्तेमाल करें एडवर्स सिचुएशन में कैसे हम इसके इस्तेमाल के ज़रिए से दुश्मनों की दुश्मनी को कम कर सकते हों इस पर मैं तफसील से कुछ ज्यादा बात नहीं बताऊंगा आपकी जिम्मेदारी है कि गौर करें मुताला करें फिर उसके बाद मुनाफिकीन का जो नॉन कमिटल एटीट्यूड था उस पर तबसरा किया और खुदा के रास्ते में अपनी जान लगाने अपने माल को खर्च करने अपने औकात को लगाने से वो जी कतराते थे मुनाफिकीन की पहचान ये है कि अगर हमारा भी रवैया नॉन कमिटल हो और हम भी अगर रिलेक्टेंट हो खुदा की राह में हमारी महबूब चीज़ों को खर्च करने से तो हमें भी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि कहीं निफाक का मर्ज तो हमारे अंदर नहीं आ रहा है ये बातें बताई गई उस वक्त मुसलमानों को जो नुकसान हुआ वापस मदीना लौटे मदीने में मातम हो रहा था हर जगह यही तस्करे थे गोया सफ़े मातम बिछी हुई थी मुनाफिकीन उसे और आग लगा रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लीडर थे उन्हें बताया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी को मुसलमानों के सामने मिसाल के तौर पर पेश किया गया और बताया कि फबीमा रहमत मिनलत अगर अल्लाह की रहमत ना होती तो आप ऐसा ना होते अल्लाह की रहमत से आप लोगों के लिए लयिन साबित हुए सापोकन साफ्ट, साफ्ट हार्टडिल अगर आप सख्त खूह होते हार्श होते तो लोग आपके अतराफ से छट जाते तो लीडर को याद रखना चाहिए कि उसकी पर्सनैलिटी का कैरिज्मा यह है कि वो सॉफ़्ट स्पोकन हो सॉफ्ट हार्टेड हो हार्शनस उसकी तबीयत में ना हो उसके बाद बताया गया कि मैदान उहद से लौटने के बाद मामला खत्म नहीं हुआ मजीद आज़माइशें आती रहेंगी और दुश्मन तरह तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उनमें से एक तकलीफ एक नुकसान साइकोलॉजिकल पेन भी है एक है फिजिकल हार्म करना और एक है साइकोलॉजिकल पेन देना कुरान ने मुसलमानों को पहले ही वॉर्न कर दिया चौदह सौ साल से आज तक ये बात बिल्कुल आप देख सकते हैं सर की आंखों से कि इस्लाम दुश्मन अनासिर किसी न किसी तरीके से मुसलमानों की अजियत का सामान करते रहते हैं

के तुम आजमाए जाओगे तुम्हारी जानों में भी और तुम्हारे अमवाल में भी और तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा उन लोगों की तरफ से जिन्हें इससे पहले किताब दी गई थी यानी अहली किताब यहूद वामिन अशरकु, और उनकी इतवा करते हुए मुशरकिन भी वही तरीक़ा अपनाएंगे और यह है कि अजन कसीरा जियतनाक बातें सुनने को तुम्हें मिलेंगी, साइकोलॉजिकल पेन तुम्हें दिया जाएगा तुम्हारे जज्बात को मजरूह किया जाएगा ऐसे में डिफेंस मैकेनिज्म यह है कि वह इन तस्वीरों व तक हो इख्तियार करो और तकवा इख्तियार करो और सुनो ये दोनों सिफात अजम लोगों ही को मिलते हैं ये उन्हीं का काम है उसके बाद सुर इमरान जब ख़त्म होती है तो मोमिन की पर्सनैलिटी का यह डायमेंशन बताया गया कि वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और इंटेलेक्चुअल का जो तरीक़ा है वो साइंटिफिक अप्रोच का है इन नल्कि समावाति वलर्द अखिलाफ़ लईली व नहारयातिल उलबाब आसमान ज़मीन की साख पर वह गौर फिक्र करते हैं दिन और रात के बारी बारी आने और जाने पर वह गौर फिक्र करते हैं और ये उलुलबाब होते हैं और तफक्र करते हैं तज्र करते हैं खुदा की तरफ लौटते हैं खुदा से मकफरत चाहते हैं तो खुवातिन उसके बाद आज हम हजब एक मौजू को लेंगे और उस पर हम तफसील से बात करेंगे और वो मौजू है कि यहूद की जो दुश्मनी थी इस्लाम से उनका जो तसब था इस्लाम से उनकी जो नफ़रत थी उसे बयान किया गया और ये बताया गया कि तसब के पीछे कौन सी नफसियात की कार होती है ये मज़मून इसलिए अहम है कि आज जहाँ जहाँ मुसलमान दुनिया में पाए जाते हैं वहाँ भी उन्हें तासुबात का सामना करना पड़ता है तरह तरह से उन्हें तकलीफ़ दी जाती है पहले तो दुश्मनी करने वाले क्यों करते हैं उनकी क्या नफसियात है? कुरान ने ये बताया उस पर हम बात करेंगे फिर उसके बाद साइकोलॉजी के हवाले से प्रिजुडाइस पर कुछ गुफ्तु करेंगे फिर उसके बाद आखिर में उसके अगेंस्ट में जो सल्यूशन है उस पर इशारा करेंगे पहले तो इन आयतों को देख लीजिए जो सूर्य नंबर तीन यानि इमरान आयत नंबर 117 से 120 तक आई है उसमें जो मजामीन बयान किए गए हैं उसे समझ लें पहले तो ये कहा गया या अयोहदीना आ मनोला तु बतम हिंदू निकुम कहा कि अये वो लोगों जो ईमान ले आए हो अपने अलावा अपनी जमात के अलावा मुसलमानों के अलावा तुम किसी को अपना इंटीमेट फ्रेंड ना बनाओ तुम किसी को अपना राजदार ना बनाओ कुरान ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो बिताना है ये निकलता है बा तो नून से यानी उर्दू दान हजरात कहते हैं बे तोए नून बतन बतनु यानी पेट के लिए कहा जाता है उसकी जमा बुतून आती है पुराने पाक में है वही तुम अजिन फी बुतून उम महाम अल्लाह तुम्हें उस वक्त से जानता है जब तुम जिनेन की शक्ल में फीटस की शक्ल में अपनी माओ के पेटों में मौजूद थे इससे मालूम होता है कि बतन यानी हर चीज में वो जहर की जिद है जो एक्सप्लिसिट है जो इम्प्लिसिट है जो जाहिर है जो बातिन है ये दो अपोजिट्स हैं आपस में और हर चीज के नीचे की जहत को बतन और ऊपर की जहद को जहर कहा जाता है जिसका इदराक ना हो सके उसे बातिन कहा जाता है बतन फुलानन बिफुलान जब कहते हैं तो कोई शख्स किसी के अंदरूनी मामला से वाकिफ हो तो उसे कहते हैं और क़ुरान ने यहाँ बतौर इस अलबिताना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसका ये मतलब है कि हर वो शख्स जो दूसरे का राजदान हो तो बताया गया कि मुशरकिन और यहूद को अपना राजदार ना बनाओ अपने अंदरून की बातें उन्हें न बताओ क्यों ला यालूनकुम ख़बाला वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए वह हाम करना चाहते हैं वद्दू मा अ तुम और उनकी तमन्ना है कि तुम तकलीफ उठाओ दे डिजायर टू सी यू सफर फिर उसके बाद कुरान ने कहा अफवाहिहिम उनका जो तब है उनका जो रवैया है उनके अंदरून में जो नफरत छुपी हुई है वो उनके मुंहों से बाहर आ जाती है उनका जो प्रिजुडाइज़ है वो एविडेंट है जब वो गुप्तगु करते हैं तो उससे पता चलता है कि वो तुमसे दुश्मनी रखते हैं तुमसे वो तसब रखते हैं और कुरान हमें बताता है वमा तुफी सुदूर हम अकबर और दिलों में जो छुपाए रखे हैं वो उससे ज्यादा हैकुमल आयात हमने ये नशानियाँ तुम्हें खोल कर बयान कर दी हैं कुन तुम ताकलून अगर तुम अकल से काम लेना चाहो यानि उनके दिलों में जो कुछ छुपा हुआ है ज़ुबान से जो कुछ जाहिर करते हैं उससे ज़्यादा संगीन है उससे ज़्यादा बुरे ख़यालात तुम्हारे बारे में पाए जाते हैं हा अंतुम तुम उला तो न हम तुम ही हो जो उनसे मोहब्बत करते हो वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते तुम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हो लेकिन वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते वह तो मिनुना बिल किताब कुल्ली, और तुम सारी किताबों पर ईमान ले आते हो यानि तौरात पर भी इंजील पर भी यहाँ तक कि हिंदुस्तान में जब हम रहते हैं तो यहाँ भी जो मज़हबी किताबें आई ही उनके बारे में कहते हैं कि हो सकता है कि अल्लाह ताला के नाजिल करदा किताबें हों लेकिन बाद में लोगों ने उसमें तहरीफ कर दी हो तो हम इंसानों की रहनुमाई के लिए जो किताबें आई उन पर ईमान रखते हैं कुरान ने यह बात तो सही अल्फाज में नहीं कही है लेकिन महजूब है कि वो तुम्हारी किताब पर ईमान नहीं रखते उनका रवैया तुम्हारे साथ रेसिप्रोकेशन का नहीं है उसके बाद कहा कि वक़ु लकुकुम कालू आमन्ना जब तुमसे मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए वलो अजो आलई कुता है कि जब वह अपने लोगों से मिलते हैं सूर्य बकर में कहा गया कि जब वह अपने शयातीन से मिलते हैं अपने सरदारों से मिलते हैं तो तुम्हारे खिलाफ गैज़ व गज़ब की वजह से उंगलियाँ चबा लेते हैं कुरान कहता है कुल मु तुबीजिक अपने गुस्से में जल मरो ओन रेज इन अल्लाहत सुदूर अल्लाह तुम्हारे दिलों में जो गजब है गैज है तसुब है नफरत है उन सब से वाकिफ है फिर उसके बाद कहा इन तमससुम हसन तुन तसुम यानी अगर आपको कोई भलाई पहुंचती है तो उन्हें तकलीफ होती है वह इन तुसब कुम सैतन यफ्रह बिहार और अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो रिजॉय करते हैं उन्हें खुशी होती है ये उनकी नफसियात है ये उनका एटीट्यूड है मुसलमानों की तरफ कहा तस्वीरु व तत्तूला यजुर कई दुह शै आ और अगर तुम साबिर रहो और मुतकी बन कर रहो तो उनके फरीबकारियाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती इन बिमा अमलून मुहित जो कुछ वो करते ही अल्लाह ताला अपने घेरे में ले रखा है गवातिन हजरात ये आयतें साफ़ तौर पर बताती हैं कि यहूद को मुसलमानों से तसब था और यहूद से जिन लोगों ने सबक पढ़ा इस्लाम दुश्मनी का उनके यहाँ भी प्रजुडाइज इस्लाम के खिलाफ पाया जाता है नफ़रत पाई जाती है हमें कुरान से रहनुमाई मिलती है कि इस सिचुएशन में हमारा रवैया क्या होना चाहिए इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि ये तासुब क्या बला है ये कौमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानी क्यों करती हैं क्यों लोग एक मफरूज़ा लेकर चलते हैं एक कायम शुदा ख्याल लेकर चलते हैं और प्रजुडाइज के नतीजे में तंग नजरी का शिकार हो जाते हैं जिससे इंसानों का भला नहीं होता लोग खाम जानबदारी का रवैया इख्तियार करते हैं हालांकि अक्लमंदी यह है कि हक बात की सदाकत को तस्लीम करना हक बात को सपोर्ट करना चाहिए और गलत बात अगर मेरी कौम के लोग भी करें तो मुझे उनके खिलाफ बोलना चाहिए ये है उत नजरी, ये है हक गोई लेकिन प्रजुडाइज का जब शिकार हो जाते हैं तो लोग तंग नजर हो जाते हैं जानिबदार हो जाते हैं और इस जानिबदारी का नुकसान क्या होता है कि माशरे के अंदर कौमों के दरमियान कशीदगी पैदा हो जाती है ग्रोहों के दरमियान फासिले बढ़ते चले जाते हैं ऐसे में कुरान ने हमें सब्र और तखव के जरिए से इन फासिलों को कम करने की तालीम दी कशीदगी को काउंटर करने की तालीम दी तो आइए थोड़ा सा हम मुताला कर लेते हैं प्रजुडाइज क्या चीज है जिसे जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं, हैं, उसकी शुरुआत होती है कि जब कोई फर्द अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एक सोशल ग्रुप के साथ जिसे एथनोसेंट्रिसिज्म कहा जाता है यानी एथनोसेंट्रिसिज्म का मतलब है कि आदमी अपने मजहब को दीगर मज़हब के साथ तकबुल करके देखता है और हर हाल में अपनी बरतरी और सामने वाले की कमतरी पर यकीन रखता है और ये इतना सेंट्रिसज सिर्फ मजहब का नहीं है ज़ात बरदरी के मामले में भी होता है कबीलों के मामले में भी होता है माशी ग्रोहों में भी होता है कि पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं इस ग्रुप का हूँ तो पहला क्रिएशन इन ग्रुप है जब इन ग्रुप होता है तो एक आउट ग्रुप होता है जब अज होता है तो देम होता है ये दो ग्रुप में पहले इंसान जहन में इंसानों को तकसीम कर लेता है वो कल्चर की बुनियाद पर मजहब की बुनियाद पर ज़ात बरदरी की बुनियाद पर हो सकता है जैसे ही उसने तकसीम कर लिया तो जजमेंटल होता है प्रिजुडाइज का मतलब है जजमेंटल पहले से यह फैसला कर लेना कि मैं सुपीरियर हूँ और सामने वाला दी अदर ग्रुप इज़ इंफीरियर। ये शैतान का तरीक़ा है अना खैर हो। शैतान ने कहा कि आदम से मैं बेहतर हूँ बेहतरी के लिए कोई दलील नहीं है सिवाय इसके कि मेरा जो बर्थ है मेरी जो पैदाइश है वो आग से है और आदम की पैदाइश मिट्टी से है तो पैदाइश की बुनियाद पर इंसान अपने आप को बरतर समझे ये हिमाक़त है पैदा होने में उसका कोई रोल नहीं है कि वो कहाँ पैदा हो रहा है किस घर में पैदा हो रहा है और अपनी जिल्द की रंगत क्या लेकर आ रहा है ये सब इंसान का अपना नहीं है इंसान का अपना तो उसका अमल है उसका एटीट्यूड है उसकी फिक्र है तो किसी ग्रुप में पैदा हो जाने से रेशियली एक ग्रुप सुपीरियर समझता है और दूसरों को इन्फीरियर समझता है यह प्री जजमेंटल है और उसके लिए कोई बुनियाद नहीं है सिवाय इसके पैदाइशी बुनियाद है और यह समझ लेना कि हम सुपीरियर हैं और सामने वाला इंफीरियर है और किसी भी सूरत में इसमें होता यह है कि जिस समाज में हम रहते हैं आसपास में बहुत सी ज़ात बरदरियां होती हैं बहुत से कबीले होते हैं बहुत से मजाहिब के मानने वाले होते हैं यह माशी तौर पर बहुत से तबके होते हैं किसी के बारे में हमारा ख्याल हो जाता है कि ये घटिया लोग हैं ये कंजूस लोग हैं फिर उसके बाद किसी तरह से भी इंसान मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उनमें अच्छे लोग भी हो सकते हैं दिस इज ग्रॉस जनरलाइजेशन ये तो अमूमियत है इसके पीछे कोई दलील नहीं है कि हम पूरे तबके के बारे में कहें कि यह पूरा तबका ऐसा और ऐसा होता है यह जनरलाइजेशन है यह अकलमंदी नहीं है लेकिन इंसान ऐसा ही करता है जब उसे कहा जाता है कि भाई फलाम बंदा तो उस ग्रुप में बहुत अच्छा है तो वह कहता है कि भाई एक्सेप्शन इज ए रूल इन एवरी रूल भाई वो फर्द मुस्तना हो सकता है वो पूरी कौम खराब है वो पूरा कबीला बुरा है वो सारे मज़ाहिब के मानने वाले ऐसे होते हैं ये जनरलाइजेशन इंसान जहन के अंदर क्रिएट करता है इन ग्रुप और आउट ग्रुप पैदा कर लेता है नंबर दो ये है कि थ्रेटनिंग सिचुएशन में ये तब भड़क उठता है यानी यह है कि थ्रेटनिंग सिचुएशन से मुराद आपने देखा होगा कि किसी शहर में दो तीन स्टेट के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते हैं लेकिन दो स्टेट के दरमियान बॉर्डर का इश्यू आ जाता है तो अचानक एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को की निगाह से देखने लगता है एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं या ये कि दो रियासत के लोग एक शहर में रहते हैं और दो रियासतों के दरमियान नदी के पानी के तकसीम का मसला आ जाता है तो पड़ोसी एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और उस स्टेट के नंबर की गाड़ियां हो तो इस स्टेट के लोग जला देते हैं हालांकि वो एक ही स्टेट में मुद्दत हाय दराज से रहते और बसते रहे हैं ये जो थ्रेटनिंग सिचुएशन है इसमें ये प्रजुडाइज बढ़ जाता है जैसा कि जंग उहद का वाक़ फ़रहान ने बयान किया तो थ्रेटनिंग सिचुएशन में जहाँ टेस्ट होता है उनकी इंसानियत का उनकी उसूल पसंदी का जब किसी के सामने आला और अरफा उसूल ना हो पाक साफ मकासद ना हो इंसानियत का एहतराम न हो इंसानों को अदल की बुनियाद पर क़ायम करने का कोई तरीक़ा न हो तो यह आसान तरीक़ा है कि लोगों को लड़ाओ लोगों को जात पात की बुनियाद पर तकसीम करो मजहब की बुनियाद पर तकसीम करो रीजन की बुनियाद पर तकसीम करो स्टेट्स की बुनियाद पर तकसीम करो और थ्रेटनिंग सिचुएशन में ये प्रिजुडाइज जो है और ज़्यादा गर्म हो जाता है जब इस तरह से लोग एक दूसरे के खिलाफ आइडिया बना लेते हैं तो दूसरा मरला आता है कि उस नफ़रत को उस तब को कैसे जाहिर किया जाए एक तरीक़ा आता है एक्सप्लिसिट एटीट्यूड यानी नफ़रत का इजहार वाज तौर पर करते हैं और वो जो इवेलुएशन करते हैं सामने वालों के लिए वो कॉन्शियस लेवल पर इवेलुएट करते हैं कि ये बुरे लोग हैं ये इन्फीरियर लोग हैं ये थ्रेट टू द कंट्री हैं इनका मिजाज ऐसा है ये इंसानों के दुश्मन हैं ये गोया के जहन से वो क्रिएट करते हैं और एक्सप्लिसिटली वो एक्सप्रेस करते हैं कॉन्शियस लेवल पर दूसरा होता है इम्प्लिसिट एटीट्यूड यानी यह कि किसी के खिलाफ नफरत है वो वाज तौर पर नहीं बताते लेकिन मुज़मिर रवैये जिसे कहते हैं वाज है रवैये मुज़मिर रवैये यानी एक्सप्लिसिट एटीट्यूड और इम्प्लिसिट एटीट्यूड तो ये दोनों का कुरान ने जिक्र किया कि यहूद कैसे करते हैं एक्सप्लिसिटली वो कहते थे कि जब नॉन ज्यूज के अमाउंट्स उनके पास होते हो और अगर वो देने से इनकार कर दे तो साफ तौर पर कहते हैं कि कालसा अलैना फिल उम्मी इना सबील हमारे लिए लाजिम नहीं है कि हम उम्मियों की अमानत को वापस लौटाएं ये तब में आदमी इतना बड़ा झूठ बोले और खुदा पर झूठ बोले खुदा ने तो किसी मज़हब की किताब में ये तालीम नहीं दी कि अखलाक उ अपनी कौम के लिए अलग दीगर लोगों के लिए अलग ये तो बहुत बड़ी झूठ की बात है जो ये कहते हैं तो ये एक्सप्लिसिट उनका एटीट्यूड है और एक्सप्रेशन ऑफ प्रजुडाइज है और इम्प्लिसिट जो तरीक़ा है वो ये है कि कॉन्शसली नहींकॉन्शियसली उनके जहन में इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी रासिक हो जाती है तो वो हर बात पर मज़ाक उड़ाना शुरू करते हैं जंग तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफाक की अपील की थी उस वक्त साहब कराम जो कुछ उनके पास मौजूद था लाकर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दिया कोई गरीब साहबी थे रात भर मेहनत करके मुट्ठी भर खजूर लेकर आए और आप अलैहि वसल्लम की खिदमत में शरमाते हुए पेश किया मुनाफिकीन और यहूद को जब मालूम हुआ तो ठट्टे उड़ाने लगे हंसी मजाक करने लगे कहने लगे लो ये टिड्डी की टांग भी आ गई है जिससे ये रूमी किले फतह करेंगे दिस इज इम्प्लीसिड और वो एक्सप्लिसिड है कि हम गैर यहूदियों के पैसे वापस लौटाने के मुकल्लफ नहीं हम चाहें तो उसे हड़प कर जा सकते हैं तीसरा जो एनालिसिस में फैक्टर है एक इन ग्रुप आउट ग्रुप मैंने बताया और दूसरा है उसका एक्सप्रेशन और तीसरा है रिलीजियस ओरिएंटेशन से भी तब पैदा होता है एक होता है इंट्रेंसिक ओरिएंटेशन एक बंदा सोचता है कि मुझे नेक बनना है अच्छा बनना है खुदा की तरफ लौटना है अपनी ज़िंदगी को संवारना है तो जब इंट्रेंसिक रिलीजियस ओरिएंटेशन होता है तो इंसान मजहबी बनता है जब एक्सटेंसिक रिलीजियस ओरिएंटेशन पैदा होता है तो ताुब पैदा होता है यानी ये कि मैं इसलिए मुसलमान हूं कि वो हिंदू है मैं इसलिए सुन्नी हूं कि वो शिया है तो शिया के मुकाबले में मैं सुन्नी हूं मैं इसलिए मवा के मवाई के मुकाबले में हूं तो ये जो एक ही कम्युनिटी के अंदर भी डिवीजन हो जाते हैं दो मजाहिब के दरमियान जो डिविजन हो जाते हैं और आदमी अपनी आइडेंटिटी ये समझता है कि मैं वो नहीं हूं इसलिए ये हूं मैं क्योंकि मुसलमान नहीं हूं इसलिए मैं हिंदू हूं मैं हिंदू नहीं हूं इसलिए मैं मुसलमान हूं ये एक्सट्रेंसिक जो रिलीजियस ओरिएंटेशन है इसके नतीजे में तस्ुब पैदा होता है बहुत जबरदस्त तस्ब पैदा होता है अब उसका इविल इफेक्ट यह होता है कि एक दूसरे के खिलाफ फिजिकल हार्म और साइकोलॉजिकल हार्म दोनों शुरू करते हैं हॉस्टिलिटी पैदा हो जाती है और नफसियात में लिखा गया है कि तीन ग्रुप होते हैं एक ग्रुप होता है जो इनिशिएट करता है लड़ाई और झगड़े को दूसरा ग्रुप होता है पार्टिसिपेंट्स का और तीसरा ग्रुप होता है ऑब्जर्वर्स का जो इनिशिएट करते हैं उनके बारे में तो नफसियात की किताबों में तफसील से लिखा हुआ है कि वह मेंटल सिकनेस का शिकार होते हैं वह बीमार लोग होते हैं वो अपने आप से नफरत करते हैं अपने ज़िंदगी से वो नाखुश होते हैं अपने लिविंग कंडीशंस उनके अच्छे नहीं होते जब इंसान अपने आप से नफरत करता है तो उस नफ़रत को डिस्प्लेस करता है दूसरों की तरफ तो ये मेंटली सिक लोग होते हैं जो लड़ने झगड़ने पर मार काट पर उतर आते हैं तो पहला ग्रुप है जो इनिशिएट करता है दूसरा ग्रुप है जो तमाशाई होता है वो फौरन वह कूद पड़ता है इस हंगामे में और तीसरा है ऑब्जर्वर्स आज की दुनिया में आप लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसे लोगों को पाएंगे जो रोज़ाना देखते हैं कि साहब इंसानों के खिलाफ मजालिम होते हैं औरतों के खिलाफ मजालिम होते हैं इंसानों को बुरी तरह से पीटा जाता है मारा जाता है और उसकी जान ले ली जाती है वह शियाना तरीके से कत्ल कर दिया जाता है दरिंदगी का मुजाहरा होता है उसके बावजूद ये ऑब्जर्वर जो तीसरा ग्रुप है उनके कानों में जून तक नहीं रेंगती वो इतमान से रहते हैं गोया अपनी खामोशी से वो सपोर्ट फ्राहम करते हैं पेपर्स में पढ़ते हैं मैगजीन्स में देखते हैं टीवी चैनल्स में देखते हैं सोशल मीडिया में बुराइयों को देखते हैं लेकिन उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखते गोया अपने साइलेंस से वो एंडोर्स करते हैं कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है ये सब पे की इसकी बदतरीन असरात हैं जो समाज पर पड़ते हैं इंसानों पर पड़ते हैं और इंसान ये कहाँ से हासिल करता है ये प्रजुडाइज नफरत तसब पहले तो घरों से इंसान सीखता है माँ बाप से सीखता है दोस्तों से सीखता है से सीखता है पड़ोसियों से सीखता है न्यूज़पेपर्स से सीखता है मैगज़ीन्स में पढ़ता है फ़िल्मों के ज़रिए से नफ़रत और तसब को फैलाया जाता है ये तरीक़े होते हैं और आखिर बात इस सिलसिले में ये याद रखें कि लीडर्स होते हैं बेसिकली जो अपनी लीडरी को चमकाने के लिए समाज में अपने असर व रसूख को बढ़ाने के लिए नफ़रत पैदा करते हैं और वोट के ज़माने में वह फसल काटते हैं लीडर्स होते हैं जो अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए तब को रवा रखते हैं तब को हवा देते हैं खुवातिन तो अब हम आखिर हिस्से में पहुंच गए कुरान ने जो कहा कि सब्र इख्तियार करो तखवा इख्तियार करो तो मैं चाहूँगा कि इस पर तफसील से लोग पढ़ें ये वो मौजूद हैं जिन पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ग़ौर फिक्र करें और सल्यूशन दुनिया के सामने पेश करें सब्र और तक़्वा के ज़रिए से प्रजुडाइज का मुकाबला कैसे किया जा सकता है इस पर काम करने की ज़रूरत है सब्र दरअसल इंसान को जज्बात या बुरी ख्वाहिशात पर काबू पाना सिखाता है ख़्वाहिशात और जज्बात ये दोनों चीज़ें उनकी फितरत ऐसी हैं कि अगर कोई समझदार आदमी उन पर नज़र न रखे मनत तौर पर उन ख्वाहिशात और जज्बात के खिलाफ ख़ुद अपने मन के अंदर सवाल खड़ा ना करे तो वो इंसानों को दबोच लेते हैं और अपनी राह पर ले चलते हैं उसके नतीजे में इंसान अपने मंसूबे पर अमल नहीं कर पाता बल्कि सामने वाले के दिए गए नुकात पर अमल करना शुरू कर देता है अपना सफ़र भूल जाता है उसकी अपनी मंजिल दूर हो जाती है सब्र की प्रॉपर्टी ये है कि इंसान कंट्रोल करना सीखता है नाम हालात में स्ित के अवत में क़ुर मजीद मतद आयतों में सब्र का हुक्म देता है जो लोग सबर का रवैया अख्तियार करते हैं सबर का मतलब है अपने काम में जमे रहना पीछे नहीं हटना न दबना है ना झुकना है ना बिकना है अपना जो काम है उसमें परसिवियरेंस के साथ परसिस्टेंस के साथ मुद्द के साथ अपने रास्ते पर चले जाना सबर है जो सबर का रवैया अख्तियार करते हैं उनके अंदर पुख्तगी पैदा होती है उनके मिजाज के अंदर इस्तेकाम आता है वह अपने कामों में इस्तेकामत पैदा करते हैं और उनकी जो रवादारी की सतह होती है वो आम लोगों के मुकाबले में मैारी सतह होती है बुलंद सतह होती है बहरहाल इंसान बेहतर कारदगी करता है और अपने एहसास और जज्बात पर काबू पाने के काबिल हो जाता है इसलिए सब्रखतीयार करना चाहिए तकवा तकवा का मकसद तो इंसानों में गैबी ताकत यानी अल्लाह सुबहान तै का मुसलसल और दाई में डर पैदा करना ये डर इंसानों के अंदर परफॉर्मेंस को बढ़ाता है ये जो फियर है ख़ुदा का फियर, ये परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाला फियर है ये इंसान के लिए नुक़सानद नहीं है जब इंसान ये पैदा कर लेता है तो फिर उसके अंदर ख़ूबी पैदा हो जाती है और वह सही रास्ते पर चलते रहता है सिवाय खुदा के किसी और से वो डरता नहीं है और तखवा की खूबी यह है कि वो इंसानों को सही रास्ते पर लाती है वो क़वत जो बुराइयों से रोकती है वो ख़ुदा से डरने की सिफत है जिसे हम तखवा कहते हैं और दुनिया में आज सबसे ज़्यादा लॉलेसनेस है क़ानून शिकनी है आपको मालूम होना चाहिए कि क़ानून की पासदारी करने के लिए ऐसा कोई और ताकतवर मेकैनिज़म मौजूद नहीं है जो तखवा पैदा करता है लफ्ज़ तखवा के मैंने कई मफहम बयान किए जिनमें से दो मफहम आज याद रखिए एक ये है कि माहौल में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कितना ही शोर होगा क्यों ना हो उनमें से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरने की ज़रूरत है तखवा का दूसरा मफहमू यह है कि शुरू की सतह पर ज़िंदगी बसर होनी चाहिए मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए इमोशनल लाइफ नहीं होनी चाहिए रैशनल अप्रोच होना चाहिए जब यह अप्रोच होगा तो नफ़रत का और तसब का बेहतरीन तौर पर मुकाबला हो सकता है ख़ुवा हजरात मैं अपनी गुफ्तु को ख़त्म कर चुका उसके अख्ताम पर मैं पहुँच गया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को एक दूसरे से मिलने के मौक़े फराम करना समाज में ऐसा स्ट्रक्चर हो सियासतदानों की तरफ से ऐसी पॉलिसी हो कि लोग मिलजुल कर रहें तो एक दूसरे को समझें और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हासिल करें इसके लिए ज़रूरी है कि घेटोइजेशन से हम बाहर निकलें प्लूरल मोहल्ले में रहना सीखें प्लूरल सोसाइटी में काम करें बच्चों को प्लूरल स्कूल में पढ़ाएं तब एक दूसरे से जब मिलना जुलना होगा तो ऑटोमेटिकली जो गलत ख़्याल जो गलत बातें जहनों में बैठी हुई वो बातें दूर होंगी और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से वो आपको एक्सपीरियंस करेंगे आपको पहचानेंगे दूसरा ये है कि कॉमन स्पेसेस को समाज के अंदर क्रिएट करना चाहिए जैसे स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं जिम्स होते हैं या कॉमन प्रोग्राम सेमिनार सिंपोज़ियम्स होते हैं जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहब और तबकों के लोग आपस में मिलजुल कर बैठते हों तो वहाँ एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है और तीसरी चीज़ है कि इंसानों के मसाइल को हल करना चाहिए जब कोविड का ज़माना आया तो रिलीफ पहुंचाने में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पहुंचाने में बेड्स को फराहम करने में माइग्रेंट लेबरर्स को खाना पहुंचाने में इंजेक्शनस पहुंचाने में फाइनेंशियल हेल्प देने में या मौत वाक़ हो जाए तो मैतों को कब्रस्तानों और मारचरीज़ तक पहुंचाने में जिन लोगों ने काम किया उन्होंने महसूस किया कि इंसानी खदमत के नतीजे में तसब दूर होता है एक दूसरे के लिए अहतराम पैदा होता है एक दूसरे के बारे में सही समझ पैदा होती है खुतिन हजरा इस पूरी गुफ्तू का हासिल ये है कि जहाँ हराम हो वहाँ हम किसी का ताउन नहीं करेंगे और जहाँ रिलीजियस डिफरेंसेस हो वहाँ हम ब्रॉड माइंडेडनेस के साथ काम करेंगे यानी यह है कि आपको अल्लाह ताला ने दीन की तालीम दी और किसी को दीन की तालीम नहीं मिली तो उसे समझाएंगे टॉलरेट करेंगे टॉलरेंस का रवैया होना चाहिए और वह हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ अगर कोई बात कहें भी दे तो हम मिस बिहेवियर को टॉलरेट करेंगे गुनाहों को टॉलरेट नहीं करेंगे लेकिन जो लोग सही बात नहीं समझते उनके मिस बिहेवियर को टॉलरेट करेंगे और अफ़रा को एक्सेप्ट करेंगे जैसे वो हैं और उसके बाद उनसे ताल्लुक़ पैदा करेंगे उनकी जहन साजी की कोशिश करेंगे और जो हेड मांगरसें उनसे ऑन कोलिजन नहीं बल्कि सब्र और तख्वा के ज़रिए से उसका तदारक करना चाहिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शदीद तरीन तसब के माहौल में भी सबर और तकबा पर क़ायम रहने की तोफ़ी अता फरमाए आमीन व आखिर दावाना अनिलहम्बी